लोकसभा में इतना अच्छा परफॉर्मेंस महाविकास आघाड़ी का, लेकिन महाराष्ट्र की असेंबली इलेक्शन में इतना खराब परफॉर्मेंस क्यों किया महाविकास आघाड़ी ने, तो अब इसी का हम रीजन जानेंगे। सबसे पहली चीज मैं बता दूं कि जो लोकसभा इलेक्शन है और जो असेंबली इलेक्शन होता है स्टेट का, वो बिल्कुल डिफरेंट होता है और दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। अब एक चीज जो काम की महाराष्ट्र में, वो बीजेपी का जो नैरेटिव था, बीजेपी का जो एजेंडा था, ये बताने का लोगों को कि देखो जो कांग्रेस और महाविकास आघाड़ी है वो जाति की राजनीति करती है, वो आपको ओबीसी एसटी एससी में बात रही है, बल्कि सब हिंदू एक है। इसीलिए मोदी जी ने नारा दिया था एक है तो सेफ है, और योगी जी ने नारा दिया था बटेंगे तो कटेंगे, और ये नारा बिल्कुल सक्सेसफुल हुआ महाराष्ट्र की राजनीति में, और महाविकास आघाड़ी की जो रिजर्वेशन और कास्ट की राजनीति थी वो नहीं चली। अब आगे हमको ये भी जानना होगा कि बहुत सारे पहलू रहे जिससे महायुति इतनी तगड़ी मेजोरिटी से आई। अब आगे मैं बता दूं कि क्यों महायुति इतनी तगड़ी मेजोरिटी से जीती। तो सबसे पहली चीज तो उनकी जो योजना थी लाड़की बहन, वो योजना काम कर गई, वो योजना थी, वो अभी रनिंग योजना है, मतलब कि लोगों को उसका फायदा मिल रहा है। वहीं पे जो महाविकास आघाड़ी है उन्होंने भी कहा कि हम भी महिलाओं को पैसा देंगे, और महायुति जो अभी पैसा दे रही है उससे ज्यादा देंगे, लेकिन ये वादा था, और महायुति जो है वो अभी कर रही है, इसी वजह से महायुति को महिलाओं के वोट मिले, और सबसे ज्यादा जो महिला वोटर्स थे उन्होंने महायुति को चुना और महायुति को ही वोट किया। अब आगे मैं ये बता दूं कि महाराष्ट्र की राजनीति में जो शरद पवार जी है, उद्धव ठाकरे जी है, और कांग्रेस के नाना पटोले जी है, उनकी क्या रणनीति होगी। तो मैं सीधी सी बात बता दूं, शायद ये हो सकता है कि उद्धव ठाकरे जी अब महाविकास आघाड़ी से अलग हो जाए, लेकिन जिस तरीके से लोकसभा में उन्होंने परफॉर्मेंस किया है महाविकास आघाड़ी के साथ, वो उनको सोचने पे तो मजबूर कर दे कि क्या अलायंस में रहना उनके लिए अच्छा है या अकेले लड़ना उनके लिए अच्छा है, लेकिन ये आने वाला समय ही बताएगा। क्योंकि अभी जो उद्धव सेना है उनकी बहुत कम सीटें आई है, लेकिन उद्धव ठाकरे की शिवसेना अभी भी खत्म नहीं हुई, अभी भी उनकी सीटें इतनी तो है कि उनका वजूद महाराष्ट्र की राजनीति में अभी भी बाकी है। अब आगे मैं एक चीज और बता दूं कि शरद पवार जी और जो कांग्रेस है वो तो साथ में ही रहेगी। शरद पवार जी पहले कांग्रेस में ही थे, फिर उन्होंने एनसीपी बनाई, और जो कांग्रेस और एनसीपी है उनकी आइडियोलॉजी सेम है, वो जिस तरीके से अभी लड़ रहे हैं, सेक्युलर राजनीति कर रहे हैं, वही राजनीति करेंगे, वो लोग ये राजनीति को छोड़ेंगे नहीं। और कांग्रेस तो आजादी के टाइम से ही यही राजनीति करती आ रही है, और यही राजनीति पे वो आगे भी बढ़ेगी। और फिर अगला फैक्टर था आरएसएस का, आरएसएस ने भी बहुत मदद की बीजेपी को और महायुति को जीतने में, आरएसएस का पीछे से सपोर्ट था ग्राउंड लेवल पे। मैं बता दूं कि आरएसएस एक ऑर्गेनाइजेशन है जो कि ग्राउंड लेवल पे बहुत ही अच्छा काम करता है, और आरएसएस इसमें कामयाब हुआ लोगों को मनाने में कि वो महायुति को वोट करें, और लोगों ने महायुति को वोट किया। अब आगे जो महाविकास आघाड़ी है वो पीछे कहाँ रह गई, उनको क्यों इतनी बुरी हार झेलनी पड़ी। तो मैं कह दूं कि वो पीछे नहीं रह गई, उनके जो एजेंडा थे और उनके जो नैरेटिव्स थे वो समझाने में वो असफल रही। और उद्धव ठाकरे जी जिस प्रकार से महाविकास आघाड़ी के साथ थे और कांग्रेस के साथ अलायंस था उनका, ये लोगों को समझ में नहीं आया। लोगों को लगा कि बाला साहब ठाकरे जी तो कांग्रेस के बहुत बड़े विरोधी थे, और उनके लड़के जो उद्धव ठाकरे जी है वो कांग्रेस के साथ है, इसीलिए लोगों ने उद्धव ठाकरे जी को वोट नहीं किया बल्कि एकनाथ शिंदे जी को वोट कर दिया। अब जो अजीत पवार जी है उनको तो बीजेपी और एकनाथ शिंदे की शिवसेना के वोट मिले हैं, उनको एनसीपी के वोट नहीं मिले। जो एनसीपी के हार्डकोर वोटर्स है, मतलब जो एनसीपी के सपोर्टर्स है, शरद पवार जी को मानते हैं, उन्होंने अभी भी एनसीपी को ही वोट किया। एनसीपी की सीट्स कम आई है, लेकिन एनसीपी जो है वो अच्छा वोटिंग परसेंटेज लाई है महाराष्ट्र में। अब आगे जो अलायंस है महाविकास आघाड़ी, उसका फ्यूचर क्या है, तो ये अलायंस या तो दो पार्टी अब हो जाएगी कांग्रेस और एनसीपी, या तो उद्धव ठाकरे की शिवसेना साथ में तो रहेगी, लेकिन बहुत सारी चीजें ऐसी होगी जिसका विरोध उद्धव ठाकरे की शिवसेना महाविकास आघाड़ी में करेगी। लेकिन अब ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा कि क्या होगा। और लोकसभा में जो भी वोट मिला वो महाविकास आघाड़ी को नहीं मिला, वो इंडिया अलायंस को मिला। और लोकसभा इलेक्शन के जो मुद्दे थे वो बहुत ही डिफरेंट थे, और जो असेंबली इलेक्शन के मुद्दे है वो बहुत ही डिफरेंट थे, इसीलिए लोगों ने लोकसभा में डिफरेंट तरीके से वोटिंग की, और जो असेंबली इलेक्शन है वहां पे डिफरेंट तरीके से वोटिंग की। लेकिन जब असेंबली इलेक्शन की बारी आई तो पूरा सीन चेंज हो गया। सीन चेंज कैसे हुआ, क्योंकि असेंबली इलेक्शन में इंडिया अलायंस के सामने एनडीए नहीं था बल्कि महाविकास आघाड़ी और महायुति की लड़ाई थी, तो लोगों ने महायुति को चुना, और लोकसभा में लोगों ने इंडिया अलायंस को चुना। अब आगे क्या होगा, तो आगे यही होगा कि इंडिया जो अलायंस है वो तो रहेगा ही, बहुत सारी पार्टियां मिलकर इंडिया अलायंस बनाए। तो मैं ये भी मानता हूँ कि वेस्ट बंगाल से शायद टीएमसी भी इंडिया अलायंस का पीछे से सपोर्ट करे, जैसे कि इंडिया अलायंस अभी टीएमसी को पीछे से सपोर्ट कर रही है। लेकिन अब ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा कि शरद पवार जी, उद्धव ठाकरे जी और नाना पटोले, राहुल गांधी जी की क्या रणनीति होती है। लेकिन प्रियंका गांधी जी को जरूर उतारा जाएगा ताकि वो महिला वोटर्स को वापस महाविकास आघाड़ी और इंडिया अलायंस की तरफ कर सके, क्योंकि अभी जो महिला वोटर्स है वो महायुति और जो इंडिया अलायंस है उनके तरफ हो चुकी है।
लेकिन हमको अभी भी वेट करना होगा, आगे आने वाला समय बताएगा। और जो आगे आने वाली इलेक्शन है, जैसे कि बिहार और दूसरे स्टेट्स में जो इलेक्शन है, वो हमको बताएंगे कि कांग्रेस और इंडिया अलायंस का फ्यूचर क्या होगा। आप अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं। जय हिंद।